स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट अंडर पंजाब गवर्नमेंट के टीचर्स हेड टीचर्स के लिए है कि अभी एक एप्लीकेशन SIS एप्लीकेशन अपडेट हो चुकी है और गवर्नमेंट ने सेंसस 2019 का आगाज़ कर दिया है। इसके बकायदा टाइमलाइन का भी जिक्र हो जाएगा, आज का नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसके लिए हेड टीचर्स को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो क्या करेंगे, एप्लीकेशन अपडेट करेंगे और उसके बाद तमाम एरर्स ख़त्म करेंगे, इसके बारे में तमाम लाइव वीडियोस आपको दिखाई जाएगी। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाकर अपनी SIS पंजाब एप्लीकेशन अपने स्कूल टैबलेट पर अपडेट करेंगे और ये लिख दिया गया है नोटिफिकेशन इन पेरेंट सेक्शन ऑफ स्टूडेंट फॉर्म्स और साथ सेंसस भी यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। मैंने अभी यहाँ पर अपडेट का बटन होगा, अपडेट वाले बटन पर क्लिक करना है और साथ ही ये अपडेट हो जाएगी। अभी अपडेट हो चुकी है और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन पर क्लिक करेंगे तो SIS पंजाब एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी और साथ ही ये अपडेट हो जाएगा क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो जैसे ही होगी तो ये मेन बटन तमाम सेक्शंस के दरमियान में मौजूद होगा जी। सेंसस 2019 का दरमियान में बटन मौजूद है। पहले यहाँ पर रजिस्टर्स के वाले से बटन होता था, अब यहाँ पर चेंज हो गया, अपडेट हो गया है। तो इस पर क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये लोडिंग सेंसस आ जाएगा और आपकी स्टेटस, आपके स्कूल की स्टेटस जो है ना वो यहाँ पर शो। तो सबसे पहले ये तीन स्टेप्स हैं वो बारी बारी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है प्रीपेयर सेंसस डाटा, सेकंड स्टेप है प्लीज़ रिव्यू दिस फॉर्म थ्रूली टू मेक एनी चेंजेस, गो टू रेलिवेंट सेक्शंस टैब फ्रॉम मेन स्क्रीन, सबमिट फॉर वेरिफिकेशंस। तो ये तीन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप में आपने सेंसस को प्रिपेयर करना है, नेक्स्ट आपने इसको थ्रूली रीड करना है और आखिर में इसको सबमिट करना है। तो प्रिपेयर पर चेक करते हैं कि क्या अभी यहाँ पर सूरतयाल नज़र आएगी। यहाँ पर वो तमाम एरर्स नज़र आएंगे जो कि आपके स्कूल टैबलेट के रिकॉर्ड में हैं। सबसे पहले एरर इन टीचर्स के, ये टीचर्स का रिकॉर्ड वेरीफाई नहीं है। टीचर्स यहाँ पर ख़ुद अपने आईडी से लॉगिन करके वेरीफाई करेंगे कि हमारा डाटा बिल्कुल ठीक है और उसके बाद ये एरर्स ख़त्म हो जाएंगे। इसमें आपने अपने स्टाफ को कहना है कि ये अपने अपने आईडी से लॉगिन करके अपने प्रोफाइल चेक करें और अगर कोई गलती है तो बताया जाए, वरना सब कुछ ठीक है, तमाम किस्म का रिकॉर्ड ठीक है तो वेरीफाई कर दें। जैसे ही टीचर्स वेरीफाई करेंगे तो ये एरर्स ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद है एरर्स इन स्टूडेंट्स, ये देखते जाना है कि एरर्स जो भी रिकॉर्डेड हैं उनको ठीक करना है। सबसे पहला जो एरर मुझे नज़र आ रहा है कि इनरोलमेंट नंबर ऑफ अया नूर इन क्लास कच्ची इज़ मिसिंग, इनरोलमेंट नंबर लिखना है, जो दाखिला नंबर जो दाखिला रजिस्टर्स पर होता है वो मिसिंग है, वो ठीक करें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ हेल्थ सेक्शन इन रिकॉर्ड ऑफ अया नूर इन क्लास कच्ची हैव नॉट बीन आंसर्ड, हेल्थ सेक्शन के बारे में जो क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट प्रोफाइल में वो ठीक करें। इसी तरह ये एरर्स आपके तमाम रिकॉर्ड, जो भी आपके रिकॉर्ड में एरर्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो आपने ठीक करने हैं। जब तमाम एरर्स ठीक हो जाएंगे और यहाँ से एरर्स ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जब से ये एरर्स ठीक हो जाएंगे उसके ऑटोमेटिकली दोबारा सेंसस में जाएं तो ये स्टेप टू पर आ जाएगा। आपके सामने ये तमाम किस्म का फॉर्म जो सेंसस 2019 है, जिस तरह 2018 में फिल किया था उसी तरह ये ओपन हो जाएगा और उसको दोबारा रिव्यू करना है कि किसी किस्म की गलती तो नहीं है, तो उसको दोबारा चेक करना है। अभी फिल वर्स में अभी चेक करता हूँ कि जो पहला नंबर क्वेश्चन था या नूर का कि एनरोलमेंट नंबर मिसिंग था, वो अभी चेक करते हैं। स्टूडेंट्स के सेक्शन में जाएंगे और एनरोलमेंट अच्छी क्लास जो वहाँ पर दिखाया गया है कि ये एनरोलमेंट नंबर मिसिंग है हया नूर, और यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर मिसिंग है नेम इंग्लिश CNSE नंबर भी मिसिंग है जी, ये एनरोलमेंट नंबर मिसिंग है और यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर बिल फर्ज अभी मैं लिख देता हूँ जी 253 258 और अपडेट करता हूँ।
अपडेट करने से पहले उन्होंने बता दिया है कि ये भी आपके एरर्स हैं वो भी ठीक करें, जैसे ही स्टूडेंट्स के तमाम एरर्स ठीक हो जाएंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। इसी तरह बारी बारी पर आपने तमाम रिकॉर्ड तमाम एरर्स ठीक करने हैं और रिकॉर्ड को दुरुस्त करना है, और उसके बाद आपने एरर्स जैसे ख़त्म हो जाएंगे वहाँ से एरर ख़त्म हो जाएगा, सेंसस 2019 से एरर ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ के बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा रिव्यू फार्म। रिव्यू फार्म के बाद सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद वो मुतलका जो नेक्स्ट अथॉरिटी है मसलन प्राइमरी स्कूल है तो ईओज के पास चला जाएगा, वो वेरीफाई करेंगे, अगर किसी किस्म का मसला हुआ अगर एरर दोबारा हुआ तो वो रिजेक्ट करके आपको वापस भेज देंगे। ये थी हमारी वीडियोस, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, और मज़ीद कोई मालूमात दरकार हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा और वीडियोस को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।